conversation session. So children, today we are going to read a new chapter, that is chapter number 6 at the reservation counter. So reservation counter hota hai jahan par hum ticket vagera katwate hain train vagera ke liye. Jab hum kahin travel karte hain to hum jo ticket katwate that is jahan par katwate hain that is reservation counter. So here it's a conversation between two passengers. Yahan pe kya hai? Conversation hai, do logo ke aapas ki baatcheet hai. Aur wo jo do log hai wo hai passengers, means wo dono reservation counter par ticket lene gaye hain aur un dono ke beech ki baatcheet hai. So now let's see what they are talking about. First passenger, pehla passenger kehta hai to another passenger, dusre passenger se, excuse me, I want your help please. Excuse me, तो एक यात्री जो है दूसरे यात्री से कहता है क्षमा करें कृपया मैं आपकी सहायता चाहता हूँ. तो दूसरा पैसेंजर कहता है श्योर आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू टेल मी प्लीज. हाँ क्यों नहीं, मुझे आपकी सहायता करके खुशी होगी, कृपया मुझे बताइए. तो पहला वाला पैसेंजर है वो कहता है आई वॉन्ट टू गो टू द रिजर्वेशन काउंटर, वेयर इज इट प्लीज. मैं आरक्षित काउंटर पर जाना चाहता हूँ, कृपया यहाँ कहाँ है. तो दूसरा वाला पैसेंजर कहता है गो स्ट्रेट एंड देन टर्न टू द राइट, द सेकंड काउंटर इज फॉर रिजर्वेशन. सीधा जाइए उसके बाद दाएं मुड़ जाइए, दूसरा काउंटर आरक्षण के लिए. फिर पैसेंजर कहता है थैंक यू फॉर योर हेल्प, अब सहायता के लिए धन्यवाद. फिर जो दूसरा पैसेंजर वो कहता है मेंशन नाउ, मींस कोई बात नहीं. देन कॉन्वर्सेशन विद द रिजर्वेशन क्लर्क, आरक्षण लिपिक के साथ वार्तालाप. रिजर्वेशन क्लर्क को कहते हैं आरक्षण लिपिक. सो उसके साथ बात हो रही है एंड दे वर टॉकिंग. पैसेंजर कहता है एक्सक्यूज मी प्लीज आई वॉन्ट टू रिजर्व टू बर्थ इन राजधानी एक्सप्रेस टू बैंगलोर, कृपया माफ करें मैं राजधानी एक्सप्रेस में बैंगलोर के लिए दो आरक्षण सीट चाहता हूँ. जो क्लर्क रहता है वो कहता है हियर इज द रिजर्वेशन फॉर्म प्लीज फिल इट अप, यह आरक्षण फॉर्म है कृपया इसे भरिए. पैसेंजर टेक द फॉर्म एंड स्टार्ट फिलिंग इट अप, पैसेंजर क्या करता है वो फॉर्म ले लेता है और भरना शुरू कर देता है. हियर इट इज आई हैव फिल्ड इट अप कम्प्लीटली, यह लीजिए मैंने इसे पूरा भर दिया है. द क्लर्क रीड द फॉर्म, यू वॉन्ट रिजर्वेशन ऑफ टू बर्थ इन सेकेंड ए सी इन राजधानी एक्सप्रेस फॉर 22 नवम्बर. आपको जो है फॉर्म पड़ता है और फिर कहता है आप राजधानी एक्सप्रेस में 22 नवंबर के लिए दो सेकेंड एसी के टिकट चाहते हैं. यू आर लकी ओनली टू बर्थ आर अवेलेबल, आप खुशकिस्मत हैं केवल दो ही सीट उपलब्ध हैं, मींस केवल दो ही सीट बची हुई थी. पैसेंजर थैंक यू हाउ मच शुड आई पे, धन्यवाद मुझे कितने रुपए देने चाहिए. द क्लर्क क्लर्क कैलकुलेट करता है गिनता है फिर कहता है प्लीज गिव मी 2700 रुपीज, कृपया मुझे 2700 दे दीजिए. तो फिर पैसेंजर कहता है यस प्लीज हियर आर रुपीज 3000, हाँ कृपया यह 3000 है. द क्लर्क ओके अच्छा, टेक द मनी काउंट इट एंड पुट इन हिज ड्रॉअर, क्लर्क क्या कहता है पैसा ले लेता है गिनता है और ड्रॉअर में रख देता है. हियर इज द बैलेंस रुपीज 302 टिकट्स, यह लीजिए बकाया 300 रुपए और दो टिकट. पैसेंजर कहता है थैंक यू धन्यवाद और क्लर्क कहता है मेंशन नॉट कोई बात नहीं. सो चिल्ड्रन नाउ योर दिस चैप्टर इज ओवर, अब आपका ये चैप्टर खत्म हो गया. नाउ यू हैव टू डू वन एक्टिविटी, आपको एक एक्टिविटी करनी है जो कि पेज नंबर 36 पे दी हुई है. वेन यू हैव टू राइट द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, अगर आप कहीं पर गए हैं ट्रेन से आप कहीं घूमने गए हैं तो आपका वहां जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा. मान लीजिए आप कहीं लखनऊ गए दिल्ली गए घूमने, तो आप जब ट्रेन से गए हैं तो ट्रेन से जाने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसको आपको लिखना है. दैट शुड नॉट बी मोर देन 5 लाइन्स, 5 लाइन्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो ये आपका होमवर्क रहेगा. टिल दैट थैंक यू.